हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक्स। तो आज हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो कि जैन धर्म। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो जैन धर्म है उसके उत्पन्न होने के कारण क्या थे, 24 तीर्थंकरों को थोड़ा सा देख लेंगे, साथ ही बात करेंगे महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में, आखिर फिर देखेंगे कि इनका विभाजन कैसे हुआ था, किसने करा था, और फिर देखेंगे कि जैन की फिलोसफी क्या थी और उनके क्या क्या सिद्धांत थे, और जैन साहित्य और कुछ वोकैबुलरी के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे उस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, मंदिर मूर्तियां वगैरह जो थी, और वर्तमान में वो कहां पर कौन कौन सी मूर्तियां वगैरह स्थित हैं उनको देखेंगे, और साथ ही फिर हम लोग आखिरी में देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जो कि जिनसे जैन धर्म का पतन हुआ, यानी कि उनके डिक्लाइन के कौन कौन से कॉसेस थे, और फिर आखिरी में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड किया है, तो वो क्वेश्चन आंसर टेस्ट को भी आप अच्छे से लगाइएगा जिससे आपको ये मालूम चल सके कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आप भी अपना एनालिसिस कर सकें इस लेक्चर को देखने के बाद। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी पूरी चीज़ हमारी कवर हो जाए, कोई भी चीज़ आपकी इस लेक्चर से नहीं छूटेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th century BC जो कि धार्मिक आंदोलन की एक शताब्दी मानी जाती है। इस समय यूनान के हेराक्लीस, ईरान में जोरास्टर, चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए थे। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि ये अस्तित्व में आए थे, लेकिन हमें वो कारण जानने की भी जरूरत पड़ेगी जिससे ये जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे इनको एक अलग धर्म बनाने की जरूरत पड़ी। तो वो कौन कौन से कारण थे जिनसे इनको अलग धर्म बनाने की जरूरत पड़ी, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इनके ये जो कारण है इन्हें मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो सोशल कोशिश देखेंगे, उनके जो धार्मिक कारण थे और आर्थिक कारण और जो उनका ब्राह्मणवाद था वो कारण, ठीक है। तो इनको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, ये इंग्लिश में लिखा जरूर है लेकिन मैं आपको हर चीज़ जो है हिंदी में बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ हिंदी में भी समझ में आएगी, ओके। तो सामाजिक कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो एक रिजिड हो गई थी, यानी कि कठोर हो गई थी, और उस समय के जो क्षत्रिय लोग थे उन्होंने जो प्रेस्टी क्लासेस के लोग थे यानी कि उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका बहिष्कार करना या उनके जो विचार हैं विचारों को मानना बंद कर दिया था। तो जो इनमें से प्रमुख जो क्षत्रिय थे वो थे आपको बुद्ध और महावीर, जो कि एक क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, ओके। देखिए, अब हम लोग धार्मिक कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा प्राचीन भारत था उस समय की जो रिलीजियस लाइफ थी वो ओरिजिनली तो वेरी सिंपल थी, लेकिन क्या हुआ, जो लेटर वैदिक पीरियड आया यानी कि उत्तर वैदिक काल आया, उस समय जो परंपराएं होने लगी वो जटिलताएं पकड़ने लगी, जैसे कि क्या हुआ, सती प्रथा वगैरह, बलि प्रथा वगैरह जो है प्रैक्टिस वगैरह, ये सब क्या होने लगी, ये अस्तित्व में आने लगी जो कि पहले ऐसे नहीं थी, और जो वुमेन की कंडीशन है वो भी गिरने लगी, और जो समाज था वो एक पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्कल सिस्टम में बदलने लगा। तो ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो एक कॉमन पीपल था उसको एक्सेप्ट नहीं थी, तो इसलिए जो था ये भी एक कारण बना जो कि जैन धर्म उत्पन्न होने का एक कारण बना। साथ ही जो ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन जो कि अंधविश्वास वगैरह है वो लोगों को कंफ्यूज करते थे, जो कि एक धार्मिक कारण बना जैन धर्म उत्पन्न होने का। देखिए, इकोनॉमिक कोसेस में हम लोग बात करते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स थी ऑफ द वर्ण सिस्टम यानी कि जो वर्ण सिस्टम की रूढ़िवादिता थी वो भी आर्थिक कारण बना। देखिए, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया वर्ण सिस्टम, तो ये वर्ण सिस्टम क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग एक बार एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, प्रारंभिक समय में बात करें हम लोग ऋग्वेदिक काल में, तो ये जो वर्ण थे ये कर्म पर आधारित थे, यानी कि जिसके जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से इन वर्ण में उनको इन कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल आया और जो गुप्त काल और मौर्य काल आए, इस समय ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, यानी कि बर्थ के बेसिस पे जो है इस कैटेगरी में लोगों को रखा जाने लगा, यानी कि गुप्त काल और मौर्य काल और उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, यानी कि ये समझ लीजिए एक डायलॉग के फेमस है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, यानी कि जो उस समय क्या हुआ करता था, जो क्षत्रिय का बेटा था क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय हुआ करता था, ब्राह्मण का बेटा ही क्या हुआ करता था, ब्राह्मण हुआ करता था, और जो शूद्र का बेटा था वही शूद्र हुआ करता था, और आज भी ये समय चलता हुआ आ रहा है। देखिए, ये जो थी ये एक प्रकार की कैटेगरी थी, इसको आप समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं।
देखिए मान लीजिए कि आपके घर में कुछ चार भाई लोग हैं, ठीक है, चार में से एक भाई का मन करता है कि वो एक भाई का मन करता है वो अच्छे पढ़ाई करने में, एक भाई का मन करता है कि स्पोर्ट्स खेलने में, एक भाई का मन करता है डांस करने में, ठीक है, और एक भाई का मन करता है कुछ और काम करने में या डॉक्टरी की पढ़ाई करने में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबका मन अलग अलग कर रहा है तो चारों अलग अलग फील्ड में जाएंगे। तो अब आप डॉक्टर से बोलो कि वो स्पोर्ट खेल ले तो नहीं खेल पाएगा, अगर आप किसी डांस करने वाले से बोलो कि पढ़ाई कर ले तो नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रकार की, ये जो वर्ण थे ये एक प्रकार की कैटेगरी थी जिसको जिस फील्ड में रखा जा सकता है। देखिए इसको आप इस तरीके से और भी समझ सकते हैं, देखिए हमारे जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है, हमारे जो इंडिया में जो सिस्टम रखा हुआ है इसमें देख सकते हैं, जो क्षत्रिय के कैटेगरी में आते हैं वो हमारे सिपाही आते हैं, आर्मी आते हैं, वैसे की कैटेगरी में हमारे ट्रेडर्स आ जाते हैं, और जो हमारे शूद्र की कैटेगरी में आपको जो पीसेंट वगैरह किसान वगैरह देखते हैं वो आ जाते हैं, और ब्राह्मण की कैटेगरी में वो सारे बुद्धिमानी जीव आ जाते हैं जो हमारे देश को चलाने में आगे आगे अपने दिमाग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब ये वर्ण सिस्टम अच्छा है या बुरा है इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि उस समय ये कैटेगरी हुआ करती थी। तो लेकिन देखिए ये जो सिस्टम था आपको मालूम है कि जो गुप्तकाल और उत्तर वैदिक काल और जो मौर्य काल था उस समय आके ये अपना रिजिडिटी पकड़ चुका था। तो ये वर्णों के सिस्टम पर आधार पर, वर्ण के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, और इसी आधार पर जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को उदय होना पड़ा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वर्ण सिस्टम होता क्या है। तो उस समय जो ब्राह्मण वर्ण था वही अपने आप को ही सुपीरियर माना करता था, मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा माना करता था, और क्योंकि जब वो संस्कृत की भाषा का नॉलेज रखता था तो वो जो ग्रंथ थे उस समय के पुराने ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ थे, उनका जो व्याख्या करता था उनको अपने अनुसार ही व्याख्या करता था। तो ये जो था ब्राह्मण सुप्रीमेसी जो था वो भी एक कारण बना जो कि जैन धर्म के उत्पन्न का। तो चलिए दोस्तों ये आपको आई होप ये कोर्सेज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो मेन बिंदु थे जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने के कारण बने, आप इन्हें अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यूपीएससी और पीएससी में, और अगर आप एसएससी और रेलवे वाले हैं तो आप इसको सिर्फ सुना हुआ होना जरूरी है ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी को बताने के लिए आपका काम हो जाए। तो शायद ही आपको किसी ने इस तरह से स्टार्ट किया होगा जैन धर्म, अगर आपने इस तरीके से पहले भी पढ़ा है तो आप प्लीज़ यस लिखिएगा कमेंट में, और अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा तो प्लीज़ एन करिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग का नॉलेज किस तरीके से है, क्योंकि मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग इसको डीपली बोलने लगते हैं। देखिए इतना डीपली नहीं है लेकिन आपके जो है कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वेटेज देता हूँ, अब भले आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक दो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से जो ऋषभ देव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे और उन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए कुछ लोग महावीर स्वामी को भी जैन धर्म के संस्थापक बोल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वो जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक थे लेकिन जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, आप इसको ध्यान रखना। देखिए अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था तीर्थंकर, देखिए तीर्थंकर जो है वो एक संस्कृत का एक वर्ड है, इंग्लिश में लिटरली इसको बोले हम लोग तो इसका मतलब होता है फोर्ड मेकर, फोर्ड मेकर जो होता है इसका अर्थ होता है। देखिए जो तीर्थंकर हैं ये धर्म के एक धर्म की रक्षा व एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इसको आप ध्यान रखना, तीर्थंकर क्या होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से आपको सबको याद नहीं करना है, देखिए ऊपर के तीन याद रख लेना और नीचे के आपको तीन, इनमें से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे कि पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं, दूसरे थे वो अजितनाथ, ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं संभवनाथ। देखिए इनके जो साइन थे, इनका जो सिंबल था उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए जो ऋषभनाथ थे उनका जो सिंबल था वो बुल था, सांड था, आदित्यनाथ का एलिफेंट, ठीक है, और इनका कलर से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलर था, इनका गोल्डन था, इनका भी गोल्डन था, और जो संभवनाथ थे इनका जो सिंबल था वो था हॉर्स, ठीक है, साइन जो है उसको बोल रहा जाता है तो वो हॉर्स था, तो इनका कलर था गोल्डन। देखिए आखिरी में जाते हैं हम लोग महावीर के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो सिंबल था वो था लेयन यानी कि सिंह, ये एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का चिन्ह कौन सा था, तो वो था लियोन यानी कि शेर, इसको आप याद रखना, इनका जो कलर था वो गोल्डन था। इसके बाद जो पार्श्वनाथ है उनका जो साइन था वो था क्या, स्नेक था, ठीक है, तो इनका जो कलर था वो था ब्लू। देखिए नेमिनाथ आप दो बार देख रहे होंगे तो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो देखिए जो 22वें तीर्थन करते ये थे अरिष्टनेमी को नेमिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, तो इनका जो साइन था चिन्ह था वो था शंख, ठीक है, और इनका जो कलर था वो ब्लैक था, तो इसको आप ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उनका कौन सा कलर था, उनका चिन्ह कौन सा था और कौन से नंबर के कौन कौन से गुरु थे, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋषभ देव जी के बारे में, जो कि प्रलय जैन तीर्थन करते। देखिए इनका जो दूसरा नाम भी है, जो कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, अगर ऋषभ देव ना दिए जाए तो उनके उपनाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इनका नाम था आदिनाथ, दूसरा नाम था आदिश जीना, जिसका मतलब होता है फर्स्ट कौन की ओर, और तीसरा नाम था आदर्श पुरुष, जिसका मतलब होता है फर्स्ट परफेक्ट मैन, और इक्ष्वाकू। और देखिए ये जो थे इक्ष्वाकू वंश थे, इनका जो उत्तराधिकारी थे वो आदित्यनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बरगद के पेड़ के पास हुई थी। इनका जो रंग है वो स्वर्ण था, और ये जो पैदा हुए थे ये अयोध्या में पैदा हुए थे, जिसको आप ये मैप में देख सकते हैं, अयोध्या जो कि आपको उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में दिखेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि अयोध्या से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो वो घाघरा नदी होकर गुजरती है। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अष्टपट पर्वत पर हुई थी। इनकी माता का नाम मरुदेवी था और पिता का नाम नाभी था। इनकी जो पत्नी थी वो सुनंदा और सुमंगला थी। इनके जो टोटल 100 बच्चे थे, उसमें से जो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली प्रमुख थे। और देखिए जो दो डॉटर थी वो थी सुंदरी और ब्राह्मणी। देखिए इनका नाम आप ध्यान रखना, इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ ने एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल जो कि गंगा बेसिन पर स्थित है, माउंट समेटा पर मोक्ष की प्राप्ति करी थी। तो देखिए ये जो माउंट समेटा है आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड के मधुबन स्थान पर देखने को मिलेगा। ये आपका मधुबन स्थान है, तो उसको आप देख सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो बेसिन किसका था, वो गंगा नदी का बेसिन था, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में, क्योंकि जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा जिनने किया था वो यही थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनके बाद अभी तक कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए हैं। देखिए जो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वो 540 में हुआ था, बहुत सारी बुकों में 599 भी लिख दिए गए हैं। देखिए ये जो डेट का डिफरेंस है या वर्ष का डिफरेंस है, ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बता देते हैं, कुछ इतिहासकार ये अलग डेट बताते हैं, कुछ इतिहासकार अलग डेट बताते हैं, तो डेट को लेकर सारे इतिहासकारों में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास क्या है उसके टेक्स्ट वगैरह जो है बहुत पुराने होते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सब लोग अनुमान लगा के लगभग आसपास का जो है डेट बता देते हैं। और इसलिए मैं आपको इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बर्थ और ईयर से लेके रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए आगे बात करें, इनका जो जन्म स्थान था वो वैशाली के पास कुंडग्राम था। देखिए कुंडग्राम और वैशाली दोनों अलग अलग है। देखिए एग्जाम में पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उसने ऑप्शन में वैशाली और कुंडग्राम दोनों दे दिया था, तो आपको कुंडग्राम ही लगाना है, वैशाली उसमें नहीं लगा कराना है, ओके। इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, ये पूछा जाता है। और इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। देखिए इनने जो संन्यास धारण किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह छोड़ के चले गए थे और संन्यास धारण कर लिया था। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व हुई थी। देखिए मैंने बताया ना आपको, इसको आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुई थी, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हाँ, एग्जैक्ट आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ पर आपको डेट जो है वो एग्जैक्ट पूछी जाती है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राचीन इतिहास में आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो सकते हैं डेट को लेकर। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि नालंदा के पास बिहार में स्थित है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट मैप में भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो इनका गोत्र था वो जांत्रिक गोत्र था, और इनकी जो आधारभूत बिंदु थी, जो बेसिक पॉइंट है इनके जितने भी तीर्थन करते, वो थे अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। देखिए जो महावीर है, ये महावीर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ग्रेट हीरो यानी कि महान योद्धा। देखिए जो जी और जीनोदय का नारा आप सब लोग सुनते रहते होंगे, तो आप ये जो नारा दिया था वो दिया था महावीर स्वामी जी ने, इनका नाम आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी के जीवन से रिलेटिव हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को देख लेते हैं। देखिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्बीग्राम के समीप इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित जो साल वृक्ष है वहाँ पर इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी। देखिए कैवल्य जो है उसकी प्राप्ति के बाद ही जो महावीर को केवलिन नाम से भी पुकारा जाने लगा, और इनको जीन नाम से भी पुकारा जाता है। जीन का मतलब होता है विजेता। देखिए जो अरहत है, अरहत के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, उसका मतलब होता है योग्य, और इन नामों से ही इनको पुकारा जाता है। अगर इनमें से भी कोई भी नाम आ जाए तो वो आपसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बनना भी चाहिए।
तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पर है आपको बिहार में देखने को मिलेगा, जो कि ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। देखिए, इनने जो जैन काउंसिल की स्थापना इन्हीं ने करी थी, जो कि पावापुरी में करी थी, और इनकी मृत्यु के बाद जो अगला उसका अध्यक्ष बना था वो सुधर्मन बना था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि दूसरा जैन संघ का अध्यक्ष कौन था, वो था सुधर्मन। देखिए, इनके जो शिष्य थे उसमें जमाली, चंद्र सुधर्मन और महासयग कुंडली कोले, नंदी निपिया और कामदेव। देखिए, इनमें से इनके नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से एडवांस हो गए, वो ये पूछते हैं कि इनमें से कौन से उनके शिष्य नहीं थे। अब ये नहीं पूछते कि कौन से शिष्य थे, ये पूछते हैं कौन से नहीं थे, इसलिए आपको सभी याद करने होंगे। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले शिष्य कौन थे, तो वो थे पहले जमाली, इनका नाम आप ध्यान रखना। ओके, कि ये जो जीन नाम पढ़ा था महावीर स्वामी जी का, ये इंद्रियों का, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम जीन पड़ा था। और देखिए, यही जीन नाम से ये जो धर्म है इसका नाम जैन धर्म पड़ा है। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म किस वर्ड से लिया गया है, तो वो जीन वर्ड से लिया गया है। जीन वर्ड के कारण ही इस धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा। ओके, तो इसको आप ध्यान रखना। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट उनकी टीचिंग या शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं, तो इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। देखिए, जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, लेकिन हाँ, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थन करते, उन्होंने जैन धर्म के पुनरुद्धार का काम करा, मतलब दोबारा उसे जगाने का काम करा। देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया था और जैन संघ की स्थापना करी थी। देखिए, महावीर स्वामी ने जो सत्य का पता लगाने के लिए वेदों की जो प्रामाणिकता है उसके जो प्रमाण को क्या करा, प्रामाणिकता को अस्वीकार करा, स्वीकार नहीं करा, अस्वीकार करा। इसलिए जो है तीर्थकरों के कैवल्य ज्ञान और उनके वचनों को ही उन्होंने प्रामाणिक माना है। ओके, तो देखिए, इनके जो शिक्षा है, शिक्षा में सबसे पहले जो प्रमुख आता है, उनके जो थ्री ज्वेल्स हैं, त्रिरत्न प्रमुख है। देखिए, जो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना जो है आवश्यक बताया गया है। अगर कोई जैन धर्म धारण करता है तो उसे ये तीन रत्न का पालन करना आवश्यक है। इसमें जो पहला है वो है सम्यक दर्शन, इसको आप राइट फिलोसफी भी बोल सकते हो या राइट बिलीफ भी बोल सकते हो। देखिए, सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कहलाती है। देखिए, सम्यक दर्शन का तात्पर्य जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखने से, जो जैन तीर्थन करें उनमें विश्वास रखने से ही इनका जो है सम्यक दर्शन का तात्पर्य है। अगला आता है सम्यक ज्ञान। देखिए, सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? देखिए, सम्यक ज्ञान जो है वो सत्य व असत्य के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको स्पष्ट करता है। जब मनुष्य परोक्ष व अपरोक्ष दोनों प्रकार की वस्तुओं की ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। अगला जो आता है हमारा, वो आता है सम्यक चरित्र। देखिए, अहितकारी कार्यों का जो निषेध है और हितकारी कार्यों का आचरण, मतलब कि सही कार्य करना और जो गलत कार्य हैं उसको छोड़ना, वही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र मतलब कि एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, आपका नैतिक चरित्र होना चाहिए। देखिए, जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति इन त्रिरत्नों को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी आत्मा का जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, जो आपको हिंदुइज्म, बौद्धिज्म और जैनिज्म, इन तीनों का जो लक्ष्य आपको मोक्ष की प्राप्ति ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पंच महाव्रत हैं उनके बारे में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर पूजे पांच महाव्रत लिखे। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल चीज़ बताते जाता हूँ। देखिए, ये जो पांच महाव्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य और अस्त्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए, जो महावीर स्वामी जी ने ये धर्म के अनुयायियों को पांचवा व्रत का उपदेश दिया था, इन पांच महाव्रतों में जो प्रथम चार महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। देखिए, इनका जो प्रतिपादन है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था। लेकिन अगर हम लोग पांचवें व्रत के बारे में बात करें, जो कि है ब्रह्मचर्य, उसका प्रतिपादन जो है महावीर स्वामी ने किया था। तो ये जो आपको ब्रह्मचर्य वाला ये वाला सेगमेंट दिख रहा है, तो ये जो जोड़ा था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जबकि ये जो चार जोड़े थे वो पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे। देखिए, जो जैन धर्म के पांच महाव्रत थे वो आपने देख चुके हैं, उसमें से जो अहिंसा है, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? जीव मात्र के लिए दया का व्यवहार करना, यानी कि जीवों की हत्या न करना। देखिए, मतलब एक तरीके से समझ लिए, हिंसा ना करना ही अहिंसा है। ओके, इसके बाद अगला आता है हमारा सत्य। देखिए, सत्य के अंतर्गत जो है मिथ्या का वचन का परित्याग करना आवश्यक है। इस व्रत के अनुसार जो है व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए और सत्य बोलने के लिए व्यक्ति को लोभ, मोह, माया और क्रोध से दूर रहना चाहिए। अगला आता है हमारा अस्त्य। देखिए, चोरी करना, बिना चुंगी के दिए जो है माल को बेचना,
चोरी का माल बेचना और कम तोलना, देखिए ये सब जो है वो आपके अस्ते के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे हम सबको क्या है बचने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि जैन धर्म धारण करने वाले हैं या जैन धर्म धारण करे हुए हैं। तो देखिए अगला जो आता है हमारा ब्रह्मचर्य आता है। देखिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जो है वो वासनाओं के परित्याग से है, वासनाओं के किससे परित्याग से है ब्रह्मचर्य का अर्थ। ओके, और बात करें सभी इंद्रियों विषय वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ही ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। देखिए जो ब्रह्मचर्य है हमारे चार आश्रम है, उस चार आश्रम में भी ब्रह्मचर्य आता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अगली जो इनकी शिक्षा थी वो थी अनिश्वरवादिता। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि की रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। और देखिए जो जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है, और छह द्रव्यों तथा उन्होंने छह द्रव्यों के बारे में बताया है, वो है आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गुल व जीव द्वारा स्थिर है। देखिए जैन धर्म के अनुसार ईश्वर नाम की कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कि जीव जंतुओं के सुख और या दुख का निर्धारक हो। देखिए जैन धर्म के अनुसार केवल स्वकर्म से ही सुख और दुख मिलता है। देखिए अगला जो आता है वह है आत्मबाधिता। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। देखिए जैन धर्म के अनुसार ना केवल मनुष्य व जानवरों में बल्कि जो प्रत्येक जीव है, यहाँ के तक के आप ले लो कि पेड़ पौधों में भी क्या है वो आत्मा होती है, ऐसा जैन धर्म कहता है। देखिए प्रत्येक जीव जो है ना उसकी अलग अलग जो है आत्मा होती है। जैन धर्म के अनुसार जो है आत्मा जो है वो सर्वद्रष्टा है, आत्मा जो है सर्वद्रष्टा है। ये किसके धर्म के अनुसार है, वो जैन धर्म के अनुसार, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लेकिन क्या होता है, कर्मजाल तथा मोह के बंधन में इसकी जो शक्ति है वो शक्ति छीण कर देते हैं, लेकिन जो आत्मा वो सुख दुख का जो है अनुभव करती है। यदि आत्मा मुक्त करना हो तो उसे कर्म के बंधनों से मुक्त करना होगा। ओके, तो ये जो था वो आत्मबाधिता था। अब बात करते हैं जो अगली इनकी शिक्षा थी पांचवें नंबर की, वो थी वेदों में अविश्वास। देखिए जैन धर्म के अनुयायी जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में इनकी ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर उनका विश्वास नहीं था। देखिए जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में जो व्याप्त कुरीति हैं उनकी भी बहुत आलोचना की है। अहिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म जो प्रचलित जो पशु बलि व यज्ञों के भी घोर विरोधी हैं। अगला आता है कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। देखिए ये जो जैन धर्म थे वो कर्म को प्रधानता देता था। देखिए पुनर्जन्म में जो है ये विश्वास करते थे, और जैन धर्म के अनुसार इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे अपने वर्तमान जीवन के कर्मों व पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। देखिए कर्म का जो पुनर्जन्म के साथ सीधा संबंध है, और कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म मिलता है। मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करके ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। तो देखिए ये कर्म और पुनर्जन्म इन दोनों पर विश्वास करते थे, आप इसको बस ध्यान रखना। देखिए अगला जो आता है वो आता है निवृत्ति मार्ग यानी कि मुक्ति मार्ग। देखिए जैन धर्म में जो निवृत्ति मार्ग है इसकी प्रधानता दी गई है। जैन धर्म के अनुसार जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, अतः दुखों से जो मुक्ति है वो आवश्यक है। जैन धर्म में क्या है, दुखों का वास्तविक कारण जो है वो तृष्णा माना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में दुखों का जो वास्तविक कारण है वो किसे माना है, वो तृष्णा को माना है। ओके, अतः जो प्रत्येक व्यक्ति को तृष्णा त्याग कर निवृत्ति का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। देखिए अगला आता है अहिंसा। अहिंसा को ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए। देखिए कर्म और पुनर्जन्म के समान जो है अहिंसा का सिद्धांत भी जैन धर्म में विशेष महत्व रखता है। और जो अहिंसा परमो धर्म जो आप नारा सुनते हो वो जो जैन धर्म का एक मूल मंत्र है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार के जो वस्तु है वो जीव का अस्तित्व है। देखिए जैन धर्म के अनुसार जीव की हत्या ना करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन हिंसा के विषय में सोचना, बोलना और दूसरों को हिंसा करने देना भी अधर्म है। यानी कि यहाँ तो ये सीमित नहीं है, सिर्फ हिंसा करना तक सीमित नहीं है, हिंसा करने देना भी नहीं है, ये भी इसके अंदर आपको बताया गया है जैन धर्म में। ओके, इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं आगे है आपका समानता व सदाचार पर बल। देखिए समानता और सदाचार पर बहुत बल दिया गया है जैन धर्म में। जैसे कि जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म के प्रचलित जो जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, पहले तो उसका विरोध कर दिया। देखिए जैन धर्म के अनुसार जो शूद्र और ब्राह्मण उनमें कोई अंतर नहीं करा गया,
निर्वाण प्राप्त करने में का जो अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, चाहे वो शूद्र हो अथवा ब्राह्मण हो। देखिए इसके अतिरिक्त जो जैन धर्म है वो सदाचारी और नैतिक जीवन में व्यतीत करने पर जो है वो बल देता है, यानी कि एथिक्स पर, एथिक के लेवल पर जो है, नैतिक लेवल पर इंसान को जीवन जीना चाहिए। ओके, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है निर्वाण। देखिए जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। यहाँ अगर हम लोग बौद्ध धर्म में देखेंगे तो उसमें वहां पर वर्ड यूज किया जाता है महापरिनिर्वाण। ओके, तो इसमें जो जैन धर्म का अर्थ क्या, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। देखिए जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है जो मोक्ष प्राप्ति है, और महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, यानी कि निर्वाण निर्वाण है। देखिए कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए जो आवश्यक है कि वो पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का नाश किया जाए और वर्तमान जन्म है उसके सत्कर्म किए जाएं। देखिए जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों को आवश्यक बताए, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, कि उसको आप ध्यान रखना। तो ये जो थी, ये 10 इंपॉर्टेंट शिक्षाएं थी, ये आपको याद रखनी है। और अगर आप UPSC और MPPSC वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आपको ये 10 की 10 शिक्षाएं हैं वो आपको छाप कर ही जानी है। और जो अभी हम लोग SSC और रेलवे में इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इन शिक्षाओं के नाम से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार करने में सहायता करी थी। उसमें आते हैं आपके उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, फिर गंग नरेश और गुजरात के सोलंकी शासक। देखिए मैसूर के गंगवंश के मंत्री थे, उन्होंने गोमतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया है, तो इसको आप ध्यान रखना। ओके, ये फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ये जो आपको मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारे मैंने आपको नाम बताए थे, तो वो जो नाम है आपको वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए ये जो जैन धर्म का प्रसार हुआ था वो लगभग आपको पूरे भारत में ही देखने को मिलेगा उस समय के लिए, लेकिन फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया था, डिक्लाइन होता गया था। देखिए ये जो जैन धर्म का प्रसार है वो आपको उड़ीसा, दक्षिण भारत, मथुरा, उज्जैनी, जूनागढ़, गुजरात तक और भी एरिया है, वो जितना आपको ये एरिया के अंडर में यहाँ तक आपको फैलता जा रहा था, ठीक है, जैन धर्म। और उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने इनको संरक्षण भी प्रदान कर दिया था। और जैसे कि मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि आप ये महाजनपद कैसे भी करके रट लीजिए, आपको आने वाली जितनी भी प्राचीन इतिहास की हिस्ट्री है उसमें सारे आपको यही नाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो था आपका एंशियंट रूप में था। आप देखिए वर्तमान में हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ जैन धर्म के लोग रह रहे हैं। देखिए आपको कुछ स्थान आपको गुजरात में कुछ जैनियों का जैनी लोग देखने को मिलेंगे, कुछ राजस्थान में, कुछ आपको ये मध्य प्रदेश के इधर वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, कुछ महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक साइड। तो अभी जो जैन धर्म के लोग जो एक समय में पूरे भारत में थे वो आप आज के समय में भारत में इतनी जगह में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक और पॉइंट है आपका वो है कि जो जैन धर्म है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जो कि उनके पतन का कारण भी कहा जाता है। देखिए जो जैन धर्म था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला तो है हमारा श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। देखिए जो श्वेतांबर दिगंबर थे वो भद्रबाहु के फॉलोवर थे, और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के फॉलोवर थे। देखिए ये जो आपको श्वेतांबर हैं ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। देखिए इनमें जो है ये आपको नॉर्थ इंडिया साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये जो आपको साउथ इंडिया साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इनमें जो नग्न रहना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ये दिगंबर लोग होते हैं तो दिगंबर में नग्न रहना जरूरी रहता है, लेकिन वो सिर्फ मॉन्क के लिए रहता है, सभी लोगों के लिए नहीं रहता है। देखिए इसमें जो है आपको श्वेतांबर में वुमेन भी अलाउ रहती हैं, लेकिन जो दिगंबर हैं उसमें वुमेन अलाउ नहीं रहती हैं, वुमेन को प्रोहिबिटेड किया जाता है। तो देखिए जो भद्रबाहु थे इन्होंने महावीर स्वामी जी की पूरी शिक्षाओं का फॉलो किया था और उसी का प्रचार प्रसार किया था। स्थलभद्र ने जो है अलग अपनी नई शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया, और श्वेतांबर नाम से एक अलग सेक्ट बनाया। ओके, तो इसको आप ध्यान रखना, ये मेजर सा डिफरेंस है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ उनकी फिलॉसफी और कुछ प्रिंसिपल है उनको देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 जैन सिद्धांत दिए थे,
असत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्ते। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो सिर्फ ब्रह्मचर्य का दिया था। ओके, जो जैन धर्म के वैदिक सांख्य दर्शन जैन दर्शन है वो आपको सांख्य दर्शन के निकट देखने को मिलेगा। देखिए, जो जैन धर्म है उसका जो कर्म सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया गया है, मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म में शादवाद का दर्शन है जिससे सात सत्य शामिल किए गए हैं। देखिए, अनेकांतवाद भी कहा, और सात सत्य जो हैं इनको अनेकांतवाद भी कहा जाता है। आठ कर्म और 18 पापों की चर्चा भी आपको जैन धर्म में मिलती है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का जो है वो लक्ष्य माना गया है। इसके लिए इनने तीन रत्न बताए हैं, और तीन रत्न आपको मालूम है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जो है तीन रत्न उनने बताए थे, इसको आप ध्यान रखना। साथ ही जो तीन रत्न जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए तीन तत्वों का होना जरूरी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, जैन धर्म में आत्मा की सर्वोपरि स्थिति को माना गया है, और जाति व्यवस्था का निषेध किया है, और मूर्ति पूजा को है इन्होंने स्वीकृति दी है। जैन धर्म में एकांतवाद को छोड़ के अनेकांतवाद जो है उस पर ज़्यादा प्रमुखता दी है। देखिए, ये अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म ग्रंथों के बारे में। इसमें जो जैन धर्म के ग्रंथों की रचना की गई थी वो प्राकृत भाषा में की गई थी। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, पूर्व या आगम कहा जाता है। देखिए, इनमें टोटल आपको 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक आयोजित प्रथम जैन संगति हुई थी, या प्रथम जैन काउंसिल हुई थी, उसमें जो आगम है उनका संकलन अंगों में हुआ था। ओके, जो आचरण सूत्र है, आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम, और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का नियम। देखिए, भगवती सूत्र जो है, जब मैं आपको महाजनपद पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि महाजनपदों का उल्लेख आपको भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। देखिए, नया धम्म कहा में आपको महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलेगा, और उपास दासाओं में आपको उसके उपासकों के जीवन संबंधित जो नियम है वो दिए गए हैं, और जैन तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है वो भद्रबाहु के रचित जो कल्प सूत्र है उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ वोकैबुलरी आप लोग देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, पहला तो है बसादिस, जो कि जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट, जो जैन मठ रहते हैं उनके एस्टेब्लिश से संबंधित है। और उसके बाद आप ये दूसरा ध्यान रखिए, ये गंधारस, जो कि चीफ डिसिप्लिन ऑफ महावीर के जो डिसिप्लिन है उसके चीफ हुआ करते थे, चीप के लिए जो है वो गंधारा वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिद्धा, जो कि फुली लिबरेटेड है। उसके बाद जो द्रव्य है, द्रव्य तो आपको मालूम है जो सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद गुण जो है उसकी क्वालिटी के लिए जो है गुण वर्ड यूज़ किया जाता है। और पर्याय, जो मोड के लिए, जीव जो कि सोल के लिए, और ईवा इनफैक्ट के लिए। पुद्गुल जो है, जो एटम है, एटम फ्रॉम द कलर, टेस्ट, स्मेल, और जो उसको टच फेल वगैरह करते हैं उसके लिए जो है पुद्गुल शब्द यूज़ किया जाता है। उसके बाद चैतन्य, जो कि कंसीसनेस के लिए। वीर, जो कि एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मोहनिया, वो डेल्यूशन ऑफ द कॉसिंग कर्मास के लिए। इसके बाद जो अशर्वा है वो फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, और निर्जय वो वियरिंग आउट के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो गुना संतनाज है ये स्टेज ऑफ द प्यूरिफिकेशन है। ओके, और अरहत जो है, जो कि जो लोग केवल्य जन्म के लिए मतलब प्रवेश कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और तीर्थंकर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, जो दो जैन काउंसिल हुई है, ये काउंसिल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये काउंसिल का नाम आप ध्यान रखिएगा। तो पहली जो काउंसिल हुई थी वो 310 BCE यानी कि 310 ईसा पूर्व हुई थी, और दूसरी जो हुई थी 453 या 466 ईसा पूर्व हुई थी। पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी बल्लभी गुजरात में हुई थी। पाटलिपुत्र आपको मालूम है, पाटलिपुत्र आज जो मॉडर्न का पटना है, बिहार की राजधानी वो है। देखिए, इसमें अचीवमेंट क्या हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था वह 12 अंगाज का पूर्वाज को रिप्लेस करके। देखिए, इसमें जो इसे जो रिजेक्ट किया था वो दिगंबर जितने भी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके जो प्रेसिडेंट है वो स्थूलभद्र थे। देखिए, प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। ओके, और जो सेकंड काउंसिल हुई थी उसमें फाइनली कंपाइलेशन हो गया था 12 अंगास का और 12 उपांगास का। ओके, और ये जो इसके प्रेसिडेंट थे मतलब कि अध्यक्ष थे वो देरीधीगंज थे। तो ये प्रेसिडेंट और उसकी डेट और क्या हुआ था ये सब पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कुछ प्रैक्टिस या कुछ प्रथाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जैन धर्म में प्रमुख प्रचलित हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकती हैं और ये ट्रेंडिंग में भी रहती हैं कई बार। देखिए पहली तो है सले खाना जो प्रैक्टिस है। देखिए ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। जब क्या होता है, जब जैनी लोग क्या होता है, जब उनकी उनको लगता है कि वो धीरे धीरे जब वो मरने वाले हैं या डेथ के करीब पहुँच चुके हैं तो क्या करते हैं, वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे जो है खाना खाना या पानी पीना छोड़ देते हैं और धीरे 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 करके इसी तरह वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है सारे जैन स्कॉलर हैं वो इसी तरह से करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक केस याद रखना पड़ेगा जो कि 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ये प्रथा है उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ साल बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो जैन धर्म में जो ये प्रथा है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो डिसीजन था राजस्थान हाई कोर्ट का उसको स्टे कर दिया और ये जो प्रथा है इसको कंटिन्यू करने दी। अभी आपने देखा होगा जैन मुनि तरुण सागर थे, उन्होंने भी इसी प्रथा को प्रैक्टिस को फॉलो किया था जिससे फिर उनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दूसरी जो प्रथा आती है वो आती है प्रतिकर्मण। तो इसका तो आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, ये जो डेली ड्यूरिंग में जो बुखार वगैरह होता है उस समय यूज़ करी जाती है, उस समय की जो प्रथा है। तो देखिए ये जो इसका जो टाइप है वो डेबियास राय पाखी और चौमासी और संबद्ध सारी, ठीक है। तो इसका तो आप नाम याद रखिए, जो ऊपर वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ इसके जो आर्ट है आर्किटेक्चर है यानी कि जो कला और वास्तुकला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपको पूरे भारत में, आपको लगभग सभी भारत में सब जगह देखने को मिलेंगे, आपको इसमें एलोरा की गुफाएं भी देखने को मिलेंगी। देखिए जो प्रमुख है उनको बस आप देख लीजिएगा, आप गुंटूर के मंदिर वगैरह देख लीजिएगा, वाराणसी अयोध्या, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। और उनकी मैंने आपको इमेज भी लगा के रखी है यहाँ पर, आपको जो मेन याद रखना है आपको जो जो फेमस दिख रहे हैं वो है दिलवारा और उसके बाद जो पावापुरी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी और जहाँ पर उनका पहला बौद्ध संघ की उनने स्थापना भी करी थी, इसको देख लेना। और उसके बाद गिरनार का देख लेना और खजुराहो का टेंपल, ठीक है, इतना तो आप रट ही लेना, बाकी सब तो ऐसा है कि नाम सुन लीजिए। कई बार क्या होता है जब ऑप्शन आते हैं हमारे सामने तो वो अपने आप क्लिक हो जाते हैं। देखिए कुछ स्कल्पचर हैं, ये मूर्तियाँ हैं या जो अभिलेख मिले हुए हैं, तो उसमें आपका जो अयाग पता है जो कि 2200 ईसा पूर्व पुराना है वो आपको कंकाली टीला में मिलेगा जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो एंशियन स्कल्पचर डिपिक्टिंग द पार्श्वनाथ एट द तराई कोइल, ठीक है, तो ये तो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद जो अगला दिखेगा ये आपको केव देखने को मिलेगी जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, ये जैन रॉक केव है जो कि 1st century BCE की है, ओके, इसको आप ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं उनके फ्लैग के बारे में, उनका जो साइन था स्लोगन था वो सब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उनका ये जो है ये आप फ्लैग है जैन धर्म का, तो इसमें जो आपका कलर है कलर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो वाइट कलर है वो अरिहंत को वो प्रेजेंट करता है और जो रेड कलर है वो सिद्धा को प्रेजेंट करता है और जो येलो है वो आचार्य को प्रेजेंट करता है और जो आपका ग्रीन दिखेगा तो ये ग्रीन करता है उपाध्यास को प्रेजेंट करता है और जो आपको ये ब्लैक ग्रे दिखेगा वो जैन असिस्टिस थे उनको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। इट आल्सो सिग्निफाइज द अपरी ग्रे, तो जो अपरी ग्रे है उसको बताता है ये ब्लैक। देखिए उसके बाद इनका जो मंत्र है या मूल मंत्र बोलते हैं तो वो है आपका जैन ओम। तो देखिए ये जैन ओम है ऐसे दिखता है जिसमें जो ऊपर वाला चांद वाला हिस्सा है, चांद के ऊपर जो आपको बिंदु दिख रहा है वो सिद्धा है, उसके बाद जो ये चांद है मून है उसको अरिहंत और उसके बाद ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है आचार्य और ये है उपाध्याय और उसके बाद जो आधा है वो साधु, ठीक है, इसको ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद ये स्वास्तिक जो कि फ्लाई फूट है तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपको अभी मैं आपको एक इनका और चिन्ह दिखा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और ये आपने सब जगह देखा होगा, बुक वगैरह भी अरिहंत वगैरह की आती है तो आपने ये चिन्ह वगैरह देखने को मिले होंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला चांद है ये सिद्धा को दर्शाता है और ये जो तीन बिंदु हैं ये आपको जो उनके त्रिरत्न की शिक्षा दी थी उनको दर्शाता है जिसमें राइट फेथ आता है, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट आता है। उसके बाद जो आपको ये स्वास्तिक चिन्ह है उसमें ये जो एक ये बिंदु है ये आपको मनुष्य ये
त्रियंचा और ये नारकी और ये देव को दर्शाती है। इसके बाद ये अहिंसा हैंड है, मतलब अहिंसा का हाथ है। उसके बाद ये जो अहिंसा है ये पूरे जो 24 तीर्थन करें उनके बारे में दर्शाती है। और यहाँ पर जो लिखा रहता है परस्परो ग्रह जीवनाम, देखिए जो म्यूचुअल सपोर्ट, आपसी सपोर्ट और इंटर इंडिपेंडेंस के बारे में ये बात करता है। ओके, अब देखिए कुछ तत्व हैं, 7 फंडामेंटल तत्व की फिलोसफी दी थी जैन धर्म में। तो वो है पहला तो जीवी, जीवा जिसको सोल यानी कि आत्मा, दूसरा अजीवा जो कि अनात्मा, इसके बाद अश्रवा इसको इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, इसके बाद जो है बंधन जो कि बाउंडेज हैगी, उसके बाद मोक्षा यानी कि लिबरेशन, इसको साल्वेशन भी बोलते हैं, और निर्जरा यानी कि ग्रेजुअली डिसेशन ऑफ द कर्मा, और इसके बाद आता है सातवा वह संवरा जो कि स्टॉपेज ऑफ द कर्माज। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस सुन लीजिए। ओके, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। अब देखिए, अब हम लोग वो कारणों को देखते हैं जो कि इसके पतन होने के कारण बने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लैकिंग ऑफ द रॉयल प्रोटेक्शन, तो जो राजा महाराजों का है इनको अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया। देखिए शाही संरक्षण में जो उदारवादी दिन बीत चुके थे, और जो बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, खरवेल जैसे महान शासकों ने तो जैन धर्म का शाही संरक्षण प्रदान किया, लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या हो गया तो बुद्ध धर्म आ गया था, तो बुद्ध धर्म का प्रसार प्रचार रोक गया जिसके कारण जो है ये डिक्लाइन होने लगा। ओके, और जैसे कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये सब क्या इन लोगों ने क्या करा, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और जो एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने भी अंत समय में जैन धर्म धारण कर लिया था, वो भी श्रवण वेल गोला में जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए जो मतलब कि एक शाही संरक्षण जो है वो एक जैन धर्म को नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है उसका उदय ज़्यादा हो गया था, उसका प्रसार ज़्यादा हो रहा था। देखिए सेकंड जो कारण बोला जाता है वो बोला जाता है प्रयासों का अभाव। देखिए जैन कार्यकर्ताओं में जो मशीनरी उत्साह का अभाव था, और वह गांव और वो कस्बे में धर्म के प्रचार करने से उत्साही नहीं थे। इसके बाद जो अगला आता है वो जैन धर्म की गंभीरता। देखिए जो जैन धर्म की गंभीरता है वो तपस्या के अभाव अभ्यास में इनके पतन के बारे में एक शक्तिशाली कारक के रूप में काम किया है। देखिए जैनों ने कठोरता, आत्मवैराग्य का अभ्यास किया, और जय महावीर ने स्वयं को सच्चाई के एहसास करने के लिए शारीरिक कष्ट का अभाव किया। लेकिन जब आप बौद्ध धर्म देखते हैं तो वो एक मध्यम मार्ग को बताते हैं, वो तपस्या वगैरह के बीच में ना तो बोलते हैं ना तो ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए ना तो ज़्यादा टाइट करना चाहिए, तो मीडियम मार्ग उनने बताया था, तो इसलिए जो है ज़्यादा प्रचारक बुद्ध धर्म के हुए हैं। तो ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म की गंभीरता भी उसका एक मेन कारण बना पतन का। देखिए जो जैन धर्म में तथ्यवाद जो कि अगला उसके पतन का कारण बना। देखिए महावीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उन जो महान विद्वान थे उनके आगे आने वाले, तो ये जो धर्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, और ये जो 2 पार्ट्स डिवाइड होना यही जो है उनका अगला कारण बना। देखिए पूर्व समूह में क्या हुआ था, महावीर की शिक्षाओं का सख्ती से पालन किया गया था, जबकि बाद वाले जो समूह है और जो सफ़ेद पोशाक पहनने लगे थे और महावीर की शिक्षाओं का त्याग कर दिया था, जो कि श्वेतांबर थे उन्होंने महावीर की शिक्षाओं का त्याग कर दिया था। इस विभाजन से भी क्या है, जैन धर्म थोड़ा सा कमजोर हो गया। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुरू में तो अच्छे बड़े बड़े राजाओं ने करा था, लेकिन जब बौद्ध धर्म आया तो सारे राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रसार करा। उसमें अशोक सम्राट आप देखते हैं कि उनका कितना बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने विदेशों में भी मॉन्क भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये जो मेन मुख्य कारण थे जो कि जैन धर्म के पतन के कारण बने, तो इनको आप ध्यान रखना, ये आपके काफ़ी काम के आएंगे। देखिए अब कुछ टेस्ट हैं, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इन क्वेश्चन के आंसर आपको टिक लगाने हैं, और ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो ये सारे आंसर आपको बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये लेक्चर को देखा है, अच्छे से देखा है या नहीं देखा है, और इससे आपको अपने आपका टेस्ट करने के लिए अपने आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से 23वें तीर्थंकर कौन से थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ जो 23वें जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है। ओके, अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है कि बादशाह अकबर ने जगत गुरु के पदवी
किस जैन दार्शनिक को दी थी? तो देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका सी वाला आएगा, तो सी में क्या है आपका हीरा विजय सूरी, तो ये चीज मैं बताया नहीं था, तो इसको आप ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए अगला जो आता है, पाली ग्रंथ में निम्नलिखित में से किसे निर्गंता नाटापुत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसको आप आंसर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में पहला तीर्थंकर कौन था? तो अगला क्वेश्चन है आपका किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है? फिर अगला क्वेश्चन आता है कुछ जैन परंपराओं के अनुसार दामाद और तीर्थंकर महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो ये मैंने आपको बताया वर्धमान महावीर की पत्नी का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आया होगा। देखिए वीडियो जरूर लॉन्ग हुआ होगा लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक की अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।